नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है YouTube चैनल सरस्वती प्राइवेट ITI में। जैसा कि ये चैनल ही आपको ITI के स्टूडेंट के लिए समर्पित है पूरा, इस पर फिटर, इलेक्ट्रिसियन और अदर संबंधित परीक्षा से जानकारी इस पर दी जाती है। आज के इस वीडियो में हम फिटर का एक टॉपिक है, आप जानते होंगे ड्रिलिंग, उस ड्रिलिंग और पॉइंट आप देख रहे होंगे ड्रिलिंग, काउंटर बोरिंग, स्पॉट फेसिंग, इनको आज हम पढ़ेंगे संक्षिप्त में। ये चीज़ें है क्या और इनका एग्जामिनेशन में प्रयोग क्या होता है, कैसे इससे क्वेश्चन आते हैं डायरेक्टली। ठीक, आइए स्टार्ट करते हैं हम ड्रिलिंग। देखिए जोड़ जो होता है, जोड़ ज्वाइंट आपके मेनली तीन टाइप के होते हैं, एक सेमी परमानेंट, परमानेंट और एक होता है टेम्परेरी जोड़। तो परमानेंट में आप जानते हैं कि वेल्डिंग होता है दो पार्टों को जोड़ने के लिए, क्योंकि काफ़ी पार्ट होते हैं, मशीनिंग पार्ट है, दोनों को जोड़ना होगा, जब जोड़ेंगे नहीं तो उससे अलग दूसरा वर्क हम नहीं ले पाएंगे। और सेमी परमानेंट में आप ऐसे रिवेट हो जाता है। और टेम्परेरी में क्या है कि नट बोल्ट है, नट बोल्ट दो पार्ट होते हैं, उनमें होल करना पड़ता है, होल करने के बाद नट बोल्ट को डाल के कस देते हैं हम। तो अब नट बोल्ट को डालेंगे कैसे, जॉब में डालना है तो कोई होल तो करना पड़ेगा, तो उस होल को करने के लिए क्या करते हैं हम, एक ऑपरेशन का नाम है ड्रिलिंग। ड्रिलिंग करते हैं, ड्रिलिंग मशीन पर की जाती है, जो ड्रिलिंग होता है वो ड्रिलिंग मशीन पे की जाती है। और इसके लिए ड्रिल बिट का प्रयोग किया जाता है, जो टूल प्रयोग किया जाता है उसे ड्रिल बिट बोलते हैं। तो हमारा टॉपिक ड्रिलिंग नहीं है, हमको पढ़ना है स्पेशली काउंटर बोरिंग क्या होता है और काउंटर फेसिंग क्या होता है। तो आज की इस वीडियो में मेनली हम काउंटर फेसिंग पे और काउंटर क्या है, स्पॉट फेसिंग और काउंटर बोरिंग पे ध्यान देंगे हम। तो काउंटर बोरिंग है, आप देखते होंगे कोई टेबल है, कुर्सी है, कोई जॉब है, कोई मशीन है, कोई वहाँ पे हाथ उठाते हैं, मान लीजिए दो पार्टों को जोड़ना है, अगर कोई नट बोल्ट आप कस दे रहे हैं उसका हेड ऊपर दिखेगा तो हाथ जब आप लगाएंगे तो उस पर हाथ को टच करेगा, चोट लगने के चांसेस रहेंगे, कपड़े फंसने के चांसेस रहेंगे, फ्रिक्शन बढ़ सकता है, अगर भाई कोई पार्ट उसमें से जा रहा हो रगड़ खा जाएगा। तो क्या करते हैं कि आप होल में बोल्ट को कसेंगे, तो ऐसे होल को, होल का साइज ऐसे बना दीजिए आप कि बोल्ट का जो हेड होता है उसी के अंदर चला जाए, तो उस बोल्ट के हेड को समतल, सतह के समतल करने के लिए जो प्रक्रिया अपनाई जाती है उसे काउंटर बोरिंग बोलते हैं। एक प्रक्रिया आपकी बोरिंग है, स्पॉट फेसिंग अभी छोड़ देते हैं, दे देते हैं काउंटर बोरिंग। बोरिंग क्या है, पहले से इलाज करना, यानी बोरिंग क्या होता है आपका, पहले से किए हुए छिद्र के साइज को बड़ा या इलाज करना होता है। अगर अब कोई जॉब है, जैसे कि मान लीजिए आपका एक जॉब है, ऐसे तब इस जॉब में पूरा आर पार होल आपने ड्रिल कर दिया, ये आपने ड्रिल कर दिया है, ये बीच वाला हिस्सा ड्रिल किया हुआ है। अब इस हिस्से जो बीच वाला हिस्सा है, जो ड्रिल किया हुआ हिस्सा है, जो छिद्र है, इस छिद्र का जो साइज हमें बड़ा करना होगा, तो उसके लिए क्या करते हैं, बोरिंग टूल होता है, उस बोरिंग टूल के माध्यम से इसका साइज को हम बड़ा करते हैं पूरी लंबाई में। यहाँ से स्टार्ट करते हैं पूरा, जितना गहरा है टोटल पूरी गहराई में इसको हम साइज को बड़ा कर देते हैं, तो उसको बोरिंग बोलते हैं। लेकिन यदि जैसा कि हमने बताया है कि कोई बोल्ट होगा, मान लीजिए बोल्ट क्या होगा, कुछ ऐसा बोल्ट होगा आपका, अब ये वाला हिस्सा इसमें चला जाएगा लेकिन हेड वाला हिस्सा इसके बाहर आ जाएगा, तो हमें क्या करना है, हेड वाले हिस्से को इसके अंदर डालना है, तो उसके लिए क्या करते हैं, काउंटर बोरिंग करते हैं। काउंटर बोरिंग क्या किया जाएगा, ऐसे ये ऊपरी हिस्सा केवल कुछ गहराई तक, जितना हेड की मोटाई होती है उसी के अनुसार
केवल आप ड्रिल होल का साइज आप बड़ा करते हैं, तो इसको जब केवल आप सिर के हिस्से को, यानी कि होल है, होल का हिस्सा सिर है, और इस सिर वाले हिस्से में आपका बोल्ट का जो नट नट बोल्ट है आपका बोल्ट का फिर इसके अंदर जाना है। अब केवल कुछ गहराई तक यदि आप उसको साइज को बड़ा करते हैं तो ये जो प्रक्रिया कहलाती है या जिस माध्यम से आप करते हैं वो प्रक्रिया क्या कहलाती है, काउंटर बोरिंग कहलाती है। ठीक, तो जैसा कि बोरिंग हमने बताया था कि आप क्या करते हैं पूरी लंबाई तक होल के साइज का छिद्र जो होता है उसका साइज को इलाज करते हैं यानी बड़ा करते हैं। और जबकि काउंटर बोरिंग क्या होता है, काउंटर बोरिंग से हमने बताया कि केवल कुछ गहराई तक, यानी क्या है होल के या ऐसे बोल सकते हैं आप होल को कुछ गहराई तक या आवश्यकता अनुसार इलाज करना, ये आपका काउंटर बोरिंग होता है। और कुछ गहराई तक या आवश्यकता अनुसार इलाज करना, यानी हमें केवल इतनी आवश्यकता है केवल हम इस साइज इतने साइज को ही हम इस होल के साइज को हम बड़ा करेंगे। अब जिस टूल से करते हैं उस टूल को बोलते हैं काउंटर बोरिंग टूल। उस बोरिंग टूल का आपको एक फिगर बना के आपको हम दिखा रहे हैं। तो जैसे कि देखिए हमने ये बताया हुआ था कि आपको ये आपका काउंटर बोरिंग किया हुआ है और ये आपका काउंटर बोरिंग टूल है, जैसे हमने लिखा हुआ है कि काउंटर बोरिंग टूल है। इसको पायलट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, पायलट है। क्या होता है ना जब इस टूल से, ये तो आपका सैंक है, इसको जानते होंगे ड्रिलिंग के विषय में, इसमें लगा के ड्रिलिंग मशीन में लगा के आप ड्रिलिंग करते हैं तो ये क्या करता है, फिर से गाइड का काम करता है। जो पायलट होता है आपका गाइड का काम करता है और ये इनके माध्यम से कोर के माध्यम से इसका साइज को बढ़ा दिया जाता है। अब ये काउंटर बोरिंग है, काउंटर बोरिंग देखिए मेनली आपके दो टाइप के होते हैं, एच टाइप के और के टाइप के हैं। तो इस फिगर को मिटा दे रहे हैं, देखिए आप जानना चाहेंगे कि आखिर एस टाइप के टाइप है क्या। तो एस टाइप में क्या आपका स्लॉटेड पैन हेड है, स्लॉटेड चीज हेड है और इसके अलावा भी और कई चीज हैं। और के टाइप में क्या हेक्सागोनल सॉकेट हेड स्क्रू है। देखिए हेक्सागोनल जो आपका हेड है ये हेक्सागोनल टाइप का रहेगा और स्लॉटेड में पैन हेड का रहेगा। अब तुम जानते हैं आप लोग पढ़े होंगे फिटर में क्या है ना कि स्क्रू आपके कई टाइप के होते हैं, बोल्ट का जो हेड होता है कई टाइप से, बोल्ट के हेड में देखा जाए तो स्क्वायर हेड टाइप होता है, हेक्सागोनल हेड टाइप होता है आपका, और स्क्रू जो होते हैं आपके पैन हेड टाइप के, क्रॉसेस रिसेस टाइप के होते हैं आपके, कई टाइप कई हैं आपके, पढ़े होंगे आप आसानी से उसको चीज़ों को समझ। आज के टॉपिक में हमने ड्रिलिंग पढ़ा है और काउंटर बोरिंग पढ़ा है। हमने ये पढ़ा है कि ड्रिलिंग क्या होता है, ड्रिलिंग की आवश्यकता क्या होती है, जॉइंट में कितने टाइप थे और ड्रिलिंग उसका ड्रिलिंग में क्या उसका स्थान है। और ड्रिलिंग में आप एक अगला बताया थे आपको कि बोरिंग क्या होता है, कि किसी होल को इनलार्ज करने के लिए पूरी गहराई तक वो बोरिंग कहलाता है। और यदि पूरी होल को पूरी लंबाई तक ना इनलार्ज करके यदि केवल हेड के हिस्से के ऊपरी हिस्से तक केवल कुछ आवश्यकता अनुसार या कुछ गहराई तक यदि आपको होल के साइज को बढ़ाना पड़े तो उसको हम काउंटर बोरिंग कहते हैं। अब आवश्यकता क्या है, इसके हमने ये बताया आपको कि जो सॉकेट होता है बोल्ट के नट के जो हेड होते हैं उनको इसी के अंदर ऊपर से इसको उठा के इसमें रख देंगे, कस देंगे तो इसके अंदर चलाएगा, ऊपर अगर प्लेन रहेगा ये तो ये उसकी आवश्यकता थी काउंटर बोरिंग की। काउंटर बोरिंग में आपने टूल को बना के फिगर बनाया के दिखाए हुए थे आपको कि काउंटर बोरिंग टूल कैसे होता है, उसमें एक पायलट लगा हुआ था, पायलट को बताया था कि ये बीच में एकदम सेंटर में काम करता है, जैसे कि गाइड करता है कि सेंटर में एकदम बोरिंग आपकी हो जाए। और दूसरे उसके बाद हमने देखा है कि जो काउंटर बोरिंग है आपकी दो टाइप की, एस टाइप की और के टाइप की है। एस टाइप में हमने बताया कि स्लॉटेड पैन हेड चीज हेड है किन किन टाइप में यूज होता है और हमने बताया के टाइप में क्या है। इसके बाद अगले वीडियो में आपको हम ये बताएंगे कि काउंटर सिंकिंग क्या होती है, काउंटर सिंकिंग कितने टाइप की होती है, उसका प्रयोग कैसे करते हैं, उसका टूल क्या है। ठीक, तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें, और यदि अधिक वीडियो आपको चाहिए तो उसके लिए भी हमें कमेंट बॉक्स में जरूर करें।